नीचे कौन कौन भक्त ऐसे हैं जो भोरेश्वर दर्शन करने गए, जरा हाथ उठाकर बताए। जो भोरेश्वर दर्शन करने गए वही उठाए। अच्छा आप लोग गए, आपने देखा है भगवान शंकर को जो लोग जल चढ़ाने जाते हैं तो भगवान शंकर किसी से ये नहीं कहते नहीं लंबरदार आप ही आओ पहले हमारे ऊपर जल चढ़ाओ, पंडित जी आप आओ पहले हमारे ऊपर जल चढ़ाओ, नहीं कहते ना, सभी एक समान चढ़ाते हैं। पता नहीं चमार पासी कोरी लोर पंडित जी ठाकुर साहब सब एक साथ चढ़ाते हैं। और भगवान जब हवा चलाते हैं तो कोई भेदभाव करते हैं कि नहीं पंडित जी खाली हवा तुम्हारे लिए, नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मालिक कभी भेदभाव नहीं करता, मालिक के सभी बंदे हैं। क्योंकि लेखक को रिझाने के खातिर उसकी रचना से प्यार करो और कलाकार को रिझाने के खातिर उसकी कविता से प्यार करो, माता को रिझाने के खातिर उसके बच्चों से प्यार करो और ईश्वर को रिझाने के खातिर उसके बंदों से प्यार करो। क्योंकि हर तरफ प्यार ही प्यार आए नजर, आदमी की जो पूजा करे आदमी, न कहीं बैर हो न कोई गैर हो, हर में हरि को जो देखा करे आदमी। बोली सच्चे दरबार की जय हो। भगत जी कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने भी सबरी के जूठे बेर खाए थे। क्योंकि कहते हैं कप्तान साहब कि प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी प्रभु राम को भी सबरी के जूठे बेर खाने की। क्या बात है, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की। प्रेम से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारी। क्योंकि प्रेम शिव जी ने किया, प्रेम राम जी ने किया, प्रेम हनुमत ने किया, प्रेम मीरा ने किया, प्रेम कबीरा ने किया, और क्या बुरा सोनू हरि ने किया जो प्रेम मैया रानी से किया। क्योंकि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है और प्रेम ही है जो पत्थर को भगवान बना देता है, बना देता है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। बोली माई ज्वाला मैया की जय हो। बोली वैष्णो मैया की जय हो। बोली दुर्गा देवी की जय हो। बोली श्री देवी की जय हो। अच्छा श्री देवी की जय हो। श्री देवी अब चली गई है ऊपर, वो अमरेश पुरी का इंतजार कर रही है। श्री देवी ऊपर चली गई है और अमरेश पुरी भी हमको लगता है चले गए फिल्म इंडस्ट्री से, जीत क्योंकि ऊपर चल रहा होगा मगर वो खुश हुआ। देखिए माई के चरणों में जो सच्ची श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं कथा, उनका जीवन जरूर बेड़ा पार होगा। क्योंकि कहते हैं सत्य से है जग का सत्य ही करतार है, और माई को जो जान लेता है उसका बेड़ा पार है, नहीं तो बंटा पार है। तो समझ ले सत्य क्या है, क्योंकि मानस में लिखा है यादव जी सत्य हर भजन जगत सब, कहूं मैं अनुभव करूं। वास्तव में सत्य सिर्फ हरि भजन है, उससे इंसान वंचित रहता है। तो एक श्वास माई के चरणों में अर्पित कर दे और कहना है भगत जी, जब रुको निवेदन करती है बहन तारा से कि तुम्हें मेरे जगराते में आना है, तो तारा कहती है मैं तुम्हारे जागरण में जरूर आऊंगी, लेकिन उधर महाराज भेदभाव कर रहे हैं कि तुम भंगिन के घर जगराते में जाओगे। लेकिन कहते हैं भगत जी कि माँ का जागरण जो कोई करता दुख बंधन खुल जाए और श्रद्धा सुमन समर्पित करके बिगड़ी अपनी बनाए। क्योंकि मैया के जागरण का आया समय सुहाना, तारा है खुशी मन में गाए नए तराना। अरे माँ की तस्वीर में तासीर नजर आती है, उसी तासीर में मेरी जागीर नजर आती है, और कैसे आऊं मैं तेरे दर पे माँ, मेरे पैरों में तो साक्षात जंजीर नजर आती है। क्योंकि तारा कहती है कि महाराज को नींद नहीं आ रही है, अरे माँ ऐसी कृपा करो कि इनको नींद आ जाए। मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारे जगराते में जाऊंगी और ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। माता रानी को बार बार स्मरण कर रही है और कह रही माँ को याद करके प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि कैसे। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तारा तारा रानी माँ को याद करके कह रही है कि कैसे आऊं मैं दर पे तेरे माँ, हो कैसे आऊं मैं दर पे तेरे माँ, कर दे कृपा जाऊं तुझ पे वहाँ, कर दे कृपा जाऊं तुझ पे वहाँ, हो कैसे आऊं मैं दर पे तेरे के पास।
करिए कृपा करिए कृपा। मन मानस में माँ तू ही बसी है, रोम रोम में माँ तू ही लसी है। मन मानस में माँ तू ही बसी है, रोम रोम में माँ तू ही लसी है। ओ मेरी भक्ति है तुझको तेरे माँ, जाऊँ तुझ पे जाऊं तुझ पे मां, जाऊं तुझ पे मां। और कहते हैं कि माँ के दर जाके जो अरदास करते हैं, अरे मैया की रहमो करम से वो भंडार भरते हैं, और आती नहीं दुखों की छाव कभी ऊपर जो सच्चे मन से माँ की पुकार करते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। क्योंकि भगत जी माँ के दर जाके जो अरदास करते हैं, मैया की रहमो करम से भंडार भरते हैं, आती नहीं कभी दुखों की छाव कभी ऊपर जो सच्चे मन से माँ से पुकार करते हैं। तो भगत जी माँ को याद करती है तारा रानी कि माँ किसी तरह मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ को नींद आ जाए और मैं जगराते में चले जाऊं। क्योंकि राजा बहुत चतुर थे, अपनी एक उंगली काट लेते हैं, उंगली काट लेते हैं कि जब उंगली काट लूंगा पेन होगा तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो जगराते में नहीं जा पाएगी। लेकिन तारा रानी माँ की भक्त थी और जगराते में जाने को उसने वादा भी किया था अपने बहन रुक्मो से। तो माँ का जब स्मरण बार बार करती है तो महाराज को नींद आ जाती है, और महाराज निंदासन में जैसे ही होते हैं सोने लगते हैं सो जाते हैं। तारा रानी क्या करती है, चुपके से खिड़की के पीछे जाती है, खिड़की में साड़ी को बांधती है और नीचे से उतर के चली जाती है। कैसे सुनिएगा, भगत जी तारा खिड़की से साड़ी लटका कर ऊपर से उतर कर जागरण में पहुंचती है। किस तरह पहुंचती है, और जब जागरण में पहुंच जाती है तो वहां पर माँ भक्ति का जयकारा चल रहा होता है। बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली सच्चे दरबार की जय हो, ऐसी जयकारा चल रहा होता है। लेकिन जब वो जागरण में चली गई पहुंच गई तो इधर महाराज जो सो रहे थे उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने देखा कि अरे मेरी धर्मपत्नी कहाँ है। बेचारे पागल हो गए, क्रोध आया अपने आप पर कि मुझे नींद क्यों आई, क्योंकि माया माँ की जब हटी हर जागे श्री महाराज, तारा को जब ना लखा सोचे गई आज है ला। तो खिड़की सहारे उस तप साड़ी लटक रही
खिड़की सहारे उस दफसाली लटक रही, क्रोधित हुए है राजा मन में खटक रही, क्रोधित हुए है राजा मन में खटक रही, खिड़की सहारे उतरे तारा के पीछे भागे, खिड़की सहारे उतरे तारा के पीछे भागे, मन में यही विचार उस दम क्यों नहीं जागे, मन में यही विचार उस दम क्यों नहीं जागे, चलते ही जा रहे थे होने की सुबह आई, चलते ही जा रहे थे होने की सुबह आई, मैया के जागरण की ज्योति उन्हें दिखाई, मैया के जागरण की ज्योति उन्हें दिखाई। पंडित जी जो पंचमेवे का प्रसाद रखा है सभी भक्तों को दे दो, पंचमेवे का रखा है प्रसाद सब में बटवा दे, थोड़ा थोड़ा सभी भक्तों के पास पहुंच जाए, ये प्रसाद कोई भी खाएगा नहीं, अभी इसको लेके अपने घर जाना है, माताएं बहनें अपने पंडों में ले लेंगे, इसको रख ले और सभी भक्त इस प्रसाद को भी खाएंगे नहीं, घर ले जाएंगे सभी लोग, सभी जितने भक्त बैठे सभी के पास पहुंचा दें पंचमेवे का प्रसाद। और वो हलवे चने का प्रसाद बन गया कि नहीं बन गया भाभी जी, हलवे चने का प्रसाद बन गया, अगर बन गया हो तो पांच दोने ला करके दरबार में चढ़वा दे, पांच दोने प्रसाद माई के दरबार में चढ़वा दे। तो भगत जी खिलकी सहारे उस दम साड़ी लटक रही, खिलकी सहारे उस दम साड़ी लटक रही, क्रोधित हुए हैं राजा मन में खटक रही, क्रोधित हुए हैं राजा मन में खटक रही, खिलकी सहारे उतरे तारा के पीछे भागे, खिड़की सहारे उतरे तारा के पीछे भागे, मन में यही विचारे उस दम क्यों नहीं जागे, मन में यही विचारे उस दम क्यों नहीं जागे, चलते ही जा रहे थे होने की सुबह आई, चलते ही जा रहे थे होने को सुबह आई, मैया के जागरण की ज्योति उन्हें दिखाई, मैया के जागरण की ज्योति उन्हें दिखाई, जब जागरण है पहुँचे प्रसाद बट रहा था, जब जागरण है पहुँचे प्रसाद बट रहा था, प्रसाद लेते वक्त तारा ने ये कहा था, प्रसाद लेते वक्त तारा ने यह कहा था, पति का प्रसाद ये है मेरा प्रसाद दीजे, पति का प्रसाद ये है मेरा प्रसाद दीजे, मैया के चरणों में मेरी अरदास लीजे, मैया के चरणों में मेरी अरदास लीजे, चरणों में माफी मांग के तारा है चल दिया, चरणों में माफी मांग के तारा ने चल दिया, सब भक्त मिल के सारे जयकार है किया, सब भक्त मिल के सारे जयकार है किया। तो भगत जी जाति तारा देखकर राजन मन में डोला, जाति तारा देखकर राजन मन में डोला, और राह रोक कर तब रानी से ऐसी वाणी बोला, बोला और कहने लगा कि कौन दिशा में जइयो फेर के नजरिया, कौन दिशा में जइयो फेर के नजरिया, कौन दिशा में जइयो फेर के नजरिया, तो कौन दिशा में जइयो फेर के नजरिया, ओ तारा रानी सुन मेरी वाणी, ओ तारा रानी सुन मेरी वाणी, जयो फेर के नजरिया, कौन दिशा में जयो फेर के नजरिया, तू मनमानी की घर जानी आई भक्ति द्वार हो, तू मनमानी की घर जानी आई भक्ति द्वार हो, लगाया कलंक का टीका करके मुझे लाचार हो, कैसे तारा तू घर जाए
सुन मेरी वाणी तारा रानी सुन मेरी वाणी रुक जा जरा मन दिस में नजरिया कौन दिशा में जइयो फिर के नजरिया कि जब राह रोकता है महाराज रोक लेते हैं तो तारा कहती है महाराज क्योंकि महाराज कहते हैं भंगिन के द्वार तुम आई हो जगराते में तो तारा कहती है महाराज राजन माता के दल पे कोई नहीं भेदभाव है राजन माता के जो नाम है माता उस पे करती कृपा है लेके पुकारे जो नाम है जग जननी के तुम गुण गालो जग जननी के तुम गुण गालो राजने अब माँ की शरणिया बात करो नहीं मन में डरो पूरी बात करो नहीं मन में डरो पत मरा कौन दिशा में जइयो के नजरिया कौन दिशा में जइयो फिर के नजरिया और रानी समझती है कि राजा ऐसे नहीं मानेंगे तो कहती है एक लाडला है तेरा जो जान से प्यारा एक लाडला है तेरा जो जान से प्यारा जा करके लाल ऊपर चलाओगे दुधारा जा करके लाल ऊपर चलाओगे दुधारा सर काट करके लाए पंथ तीर्थ पाएगा सर काट करके लाए पंथ तीर्थ पाएगा वरना हमारे सामने तू मात खाएगा वरना हमारे सामने तू मात खाएगा राजन चला तड़प के था क्रोध का मारा राजन चला तड़प के था क्रोध का मारा जा करके महल अंदर है लाल पुकारा जा करके महल अंदर है लाल पुकारा था खेल रहा लाल कानावाजी पड़ी है था खेल रहा लाल कानावाजी पड़ी है माता विधान देखो कैसी विपदा पड़ी है माता विधान देखो कैसी विपदा पड़ी है लाल जिस माया गले से लगा लिया है लाल जिस माया गले से लगा लिया गोदी में उठा करके बहुत प्यार है किया गोदी में उठा करके बहुत प्यार है किया है भूल गया उस दम रानी का प्रण पूरा है भूल गया उस दम रानी का प्रण पूरा लाल के वो प्रेम में राजन अधूरा रानी के वो प्रेम में राजन अधूरा तारा को याद करके हृदय लाल हो गया तारा को याद करके हृदय लाल हो गया मारा तुरंत दूधारा जिगर पार हो गया मारा तुरंत दुबारा जिगर पार हो गया सर काट करके राजन प्रस्थान किया है सर काट करके राजन प्रस्थान किया है रानी के पास जाकर ये बयान किया है रानी के पास जाकर ये बयान किया है सर काट लाया रानी है लाल तुम्हारा
सर काट लाया रानी है लाले तुम्हारा दिखला तू पंथ अपना परण पूरा हमारा दिखला तू पंथ अपना परण पूरा हमारा सर लाले का लग करके घबरा उठी है रानी सर लाले का लग करके घबरा उठी है रानी तम तमा के ऐसे वचन ये बोल उठी है रानी तम तमा के ऐसे वचन बोल उठी है रानी करके है बोटी बोटी जिसको पकाइए करके है बोटी बोटी जिसको पकाइए महलों में एक रख के एक आप खाइए महलों में एक रख के एक आप खाइए करेगा बात पूरी पंथ दिख पाएगा करेगा बात पूरी पंथ दिख पाएगा वरना हमारे सामने तू मात खाएगा वरना हमारे सामने तू मात खाएगा राजन ने सोचा कि रानी बहुत चतुर है तो राजन ने कहा रानी से अग्नि जलेगी ऊपर नीचे जले नहीं अग्नि जलेगी ऊपर नीचे जले नहीं की शक्ति माँ की दीखे तू पकाए तो सही शक्ति माँ की दीजे तू पकाए तो सही राजा के वचन सुनकर चकरा गई है रानी राजा के वचन सुन कर चकरा गई है रानी की जूता वाली मैया से बोली ऐसी वाणी ओ जूता वाली मैया से बोली ऐसी वाणी कि राजा ने जमाई लखा माँ का चमत्कार चरणों में आ मातु के माँ से कहा पुकार मेरी माँ अम्बे तूने ये क्या किया है 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 सारे दुख मुझको माँ दे दिया है सारे दुख मुझको तूने क्या किया है तारा तारा तेरा मैंने मारा तारा तारा तेरा मैंने मारा मैंने गुलशन कथा गुल हजारा मैंने गुलशन कथा गुल हजारा मेरी परीक्षा तूने कैसे लिया है मेरी तूने ये क्या किया है मेरी राम अबे तूने ये क्या किया है अब तो बदला दो रानी तारा अब तो बदला दो रानी तारा गोछ में क्या है दिखला दे सारा गोछ में क्या है दिखला दे सारा तारा के पंथ में फल फूल दिखता है तो मन में व्याकुल राजा ज्योति को ही अपने ऊपर मारने चलता है
और साक्षात माता आकर के दर्शन देती है, राजन का लाल भी जिंदा हो जाता है। तीनों प्राणी माँ का जयकार करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। तो आपकी तर्राने की कथा संपूर्ण हुई और कथा के पश्चात दो भजन और फिर संपूर्ण अरदास होगी और उसके बाद आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण होगा, फिर अपने घर जाएंगे। तो आइए दो भजन होंगे और उसके बाद सीधे अरदास होगी। एक भजन सुंदर सा लखन जी का गाया हुआ और मस्ताना जी अगर मेरी आवाज सुनने हो तो आ जाए। मस्ताना जी बहुत सुंदर।